मैं समझती हूँ एक गौ सेवक होने के नाते और जिस कुल से मैं आती हूँ वहाँ पर गायों की बहुत सेवा होती है, और आज यह महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो यह डिसीजन है मैं इसको स्वागत योग्य मानती हूँ। और मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी गायों के लिए बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कई ऐसी स्कीमें लागू करी हैं जिससे गायों की देखरेख हो सकती है, और यहाँ तक कि उनके जो है गोबर का भी एक उचित इस्तेमाल हो रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार गौ सेवा पर और गौ से निकलने वाले जितने भी मैं समझती हूँ पदार्थ हैं, चाहे वह उनका मलमूत्र हो या फिर उनसे दूध से उत्पादित चीजें, तो यह सारी चीजों के बारे में पहले जानकारी जो नहीं थी, अब मुझे लगता है विश्व स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वजह से इसको जो है सहर्ष जो है स्वीकार्यता मिली है और महाराष्ट्र सरकार ने भी इसको अपनाया है। मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ इसके लिए। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष इसको एक पॉलिटिकल स्टैंड के तौर पे बता रहा है। देखिए, विपक्ष का कार्य मुझे लगता है कि लोकतंत्र में सवाल उठाना है और वो सही मुद्दों पर सवाल उठाएं। और गाय जो है हमारी माता है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको गाय जो है दूध देती है, सब उसका उत्पाद लेते हैं और उसी से जो है हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सभी के लिए गौवंश बहुत जरूरी है, और अब तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ने, अमेरिका तक ने गौवंश के लिए जो है कहा है कि जो भी कुछ गौ दे रही है वो अमृत के स्वरूप है, जीवनदायिनी है, सेल्स को रीनर्चर कर रहा है, तो इसकी एक्सेप्टेंस करें। विपक्ष अच्छे मुद्दों पर जो है सवाल जवाब करे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जो है गौ रक्षक के रूप में उभरी है, हम आगे भी अच्छा काम करते रहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।